दुराने इबादत हमारे लिए मौका होगा कि पाक संदूक के सामने जाकर एतराफ का पाक सैक्रामेंट हासिल करें। खुदावंद आप सबके साथ हो। आज की खुशखबरी मुकद्दस योहन्ना के मुताबिक, उसका पहला बाप और उसकी छठी से आठ आयत और 19 से 28 आयत तक। उस वक्त एक आदमी आ मौजूद हुआ खुदा की तरफ से मुरसल, जिसका नाम योहन्ना था। ये शहादत के लिए आया कि नूर की शहादत दे, ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था, लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था। इस तौर से योहन्ना शहादत देने के लिए जाहिर हुआ। और जब यहूदियों ने यरूशलम से काहिन और लावी उसके पास ये पूछने को भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया और कि मैं तो अल मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर क्या तू अलियास है? उसने कहा कि मैं नहीं हूँ। क्या तू अल नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। तब उन्होंने उससे कहा कि फिर तू है कौन, ताकि हम उन्हें जवाब दें जिन्होंने हमको भेजा है, तो अपने हक में क्या कहता है? उसने कहा कि जैसा शायर नबी ने कहा, मैं हूँ। पुकारने वाले की आवाज़ दिया बाग में, खुदावन की राह को सीधा बनाओ। और ये जो भेजे गए थे वो फरीसियों में से थे। उन्होंने उससे सवाल करके कहा कि अगर तू ना अल मसीह है, ना अलियास, ना अल नबी, तो फिर इस्तबाक क्यों देता है? उन्होंने उनके जवाब में कहा कि मैं पानी से इस्तबाक देता हूँ, मगर तुम्हारे दरमियान एक खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद का आने वाला, जिसकी जूती का मैं तस्मा खोलने के लायक नहीं हूँ। ये बातें उर्दन के पार के बैतानिया में वाक़ हुई, जहाँ योहन्ना इस्तबाक देता था। अंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। तशरीफ। मसीह खुदावन में रिज़्दो, आज बड़े ईमान और भरोसे के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं। आप लतूरिया में क्या तब्दीली देखते हैं, क्या महसूस करते हैं कि तब्दीली क्या है? लतूरिया में किस किस्म की तब्दीली है? कलर चेंज है। इससे पहले कि हम आज की अंजील और आज के कलाम पर गुरुगोश करें, हम इसी मुनासबत से, रंग की मुनासबत से जो मोमबत्ती है उससे हम रोशन करेंगे। मसीह खुदावंद मिर्ज़ो, ये हमने खुशी की मोमबत्ती को रोशन किया है। और याद रखें, खुशी तो एक ख्वाब ही होगी है, और जैसे ही सुबह उठते हैं और ख्वाब ख़त्म हो जाता है। दुनिया में आपको दुख देने वाले, अज़ियत देने वाले, मुसीबत देने वाले, परेशानी देने वाले, टेंशन देने वाले, आपके लिए मसाइल पैदा करने वाले बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और अगर मिलेगा नहीं तो सिर्फ एक ऐसा शख्स जो आपको क्या दे सके, खुशी दे सके। और याद रखें, अगर हम खुश रहें तो बहुत सी बीमारियां वैसे ही हमसे दूर रहती हैं। और इस खुशी के लिए हम सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं ताकि खुशी हासिल करें, मगर खुशी हमें मयसर नहीं आती। बेचैनी परेशानी इंसान के साथ साथ है, मगर आज कलीसिया इस शमा को रोशन करने से हमें सिखाना चाहती है कि हम किस तरह अपनी शख्सी जिंदगी में, अपनी खानदानी जिंदगी में, अपनी इज्दवाजी जिंदगी में, अपनी माशरती जिंदगी में किस तरह खुशी को तलाश कर सकते हैं। ये अंधेरे में चिराग लेकर अगर ढूंढते हैं तो फिर ही मिलेगी खुशी, क्योंकि हमें जिंदगी में हम देखते हैं कि जब खुशी की बात करते हैं तो ये नापैद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। दुनिया में झगड़े, फसाद, जंग, बहुत ज्यादा टेंशन, परेशानियां हैं, और वायद अगर है नहीं तो वो खुशी हमारी जिंदगी में नहीं है।
इसलिए कलीसिया इन अलामात के जरिए, इन निशानात के जरिए हमें बताना चाहती है कि हम अपनी जिंदगी में इस बात को तलाश करें कि हम किस तरह खुशी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। इसलिए इस शमा के रोशन करने से जो रोशनी फैली है, याद रखें उसे यही चर्च में छोड़कर चले नहीं जाना, बल्कि उससे अपने हमरा ले जाना है, कुछ अपने लिए, कुछ अपने खानदान के लिए और कुछ अपने आस पड़ोस के लिए, उन लोगों के लिए कि जिनके पास आप रहते हैं। याद रखें जब खुशी के सफीर बनकर आप जाएंगे, ये किरदार आपके लिए नबवी किरदार बन जाएगा। जिस तरह 750 साल पहले अशाया खुशी की बशारत दे रहा है, खुशी की बात कर रहा है, और आज की अंजील मुकद्दस और आज की दूसरी तिलावत भी खुशी की तरफ हमें मायल करते हुए नजर आती है। इसलिए अशाया नबी फरमा रहा है कि मैं खुदावन में नहायत खुश होगा, और यह खुशी जब खुदावन में हासिल की जाएगी तो उसका पैमाना क्या होगा, उसका म्यार क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, यह हमें सोचना है, जांच करनी है, देखना है कि उस खुशी का म्यार क्या है जो हम अपनी जिंदगी में और अपनी माशरे में देखते हैं कि किस तरह हम खुशी हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए याद रखें, आज फॉर्मेट बता दिया जाता है अशाया नबी की मार्फत, अशाया के सहीफे में 750 साल पहले यह बात कर दी गई थी कि किस तरह हमने अपनी जिंदगियों में खुशी को तलाश करना है, किस तरह हम खुशी के हकदार बन जाएंगे। इसलिए कहा गया मालिक खुदावन की रूह मुझ पर है, सबसे पहले याद रखने की जरूरत है। अशाया ने अपने मुतल्लिक ये बात की है कि रूह खुदा मुझ पर है, इस रोए जमीन पर और इस चर्च में बैठे हुए शख्स के साथ रूह है, कोई भी इनकार नहीं कर सकता। यहां कोई ऐसा शख्स है अगर कहे कि रूह खुदा उसके साथ नहीं है, कोई ऐसा मौजूद है? नहीं, कोई भी ऐसा मौजूद नहीं है, हर शख्स के साथ रूह है। क्योंकि खुदा ने जब इंसान को बनाया तो उसके नथरों में क्या फूका है, जिंदगी का दम फूका है, और जब दम फूका है तो याद रखे रूह खुदा हमें समा गई है। हमें सिर्फ उसे उजागर करना है कि हमारे साथ खुदा की रूह है। इसलिए याद रखिए, फरमाया जाता है रूह खुदा मुझ पर है क्योंकि खुदा ने मुझे मसा किया है। दूसरी बात कि इधर जितने जितने भी लोग बैठे हैं सब मसा शुदा है, खुदावन के नाम पर मसा किए हुए लोग हैं, इसलिए मसीह कहलाते हैं। और याद रखने की बात है कि जब हम खुदावन की रूह रखते हैं, खुदा ने मसा किया है, तो फिर हमने क्या करना है, वही करना है जो अशाया नबी ने कहा कि मस्कीनों को खुशखबरी दो, ताकि मस्कीनों को खुशखबरी दो, रूह खुदा तुम पर है, तुम मसा शुदा हो, और उसके बाद तुमने करना क्या है, रूह को लेकर हमने सिर्फ बैठे नहीं रहना, मसा हो तो इस मसा को आगे भी बढ़ाना है। इसलिए कहा गया कि मस्कीनों को खुशखबरी दो। हम अपनी जिंदगी में देखें, हम किसी को दुख देने के लिए सेकंड भी नहीं लगाते, और जब खुशी की बात है सोचे विचार में पड़ जाते हैं। आमद के आयाम में मोहब्बत के सफीर बन के, खुशी के सफीर बन के जिससे आप नाराज हैं उसके घर उसमें चले जाएं, उसके पास चले जाएं, उसके घर चले जाएं कि हम जो है आपसे सुलह करना चाहते हैं, खुशी का पैगाम आपके पास लेकर आए। अब बात यह है कि कोई माफ करना नहीं चाहता और कोई माफी देना नहीं चाहता और कोई लेना नहीं चाहता, सारी जिंदगी हम इसमें गुजार देते हैं और खुशी के सफीर नहीं बनते। ये हमारी जिंदगी में याद रखे, खुदा ने मसा किया है, रूह खुदा हम पर है, हम मसा शुदा लोग हैं, और कहा जा रहा है कि मस्कीनों को खुशखबरी दो, और उसने मुझे इसलिए भेजा कि शख्सा दिलों को दुरुस्त करो, जो टूटे हुए दिल है, जो दूर है, जिनके दरमियान जुदाइयां आ चुकी हैं, दूरियां बढ़ चुकी हैं। इसलिए कहा गया जो शख्सा दिल है, टूटे हुए दिल है, उनके दरमियान प्यार और मोहब्बत को फरोग दो। असीरों को आजाद करो जो बंदरों में जकड़ों में जकड़ चुके हैं, शायद वो बंदिश, वो कैद जो बताई गई है सील, वो शायद बीमारी की भी हो सकती है,
वो बेरोजगारी की भी हो सकती है, बेऔलादी की भी हो सकती है, सूद की भी हो सकती है, दीगर किस्म की बहुत सी परेशानियां हो सकती है जिसमें फंसे हुए हैं। तो याद रखें, जब चंद अल्फाज खुशी के साथ आप कहेंगे तो उसके लिए बहुत बड़ा मौका होगा। कैदियों को रिहाई की बशारत दो। हमने कभी भी इस बात पर गौर नहीं किया कि जो दुख और परेशानी और बिलखसूस कैद में जिंदगी गुजारता है, चाहे वह गुनाहगार है चाहे नहीं गुनाहगार, उसके पास जाकर उसके उससे पूछा जाए कि भाई आपका क्या हाल है। और फिर इससे बढ़कर कहा गया, ताकि खुदावन के साले मकबूल का और हमारे खुदावन के इंतकाम का दिन इश्तियारों और सब मातम करने वालों को तसली दो। और फिर जब ये मतजा बारा बातें जितनी भी की गई, असीरों को, कैदियों को और मस्कीनों को खुशखबरी देने की बात, फिर शाया क्या कहता है, जब ये अमल हम कर लेते हैं, हम भूखे के लिए रोटी तोड़ते हैं, हमारा मोहताज को अपने घर के घर पर लेके आते हैं और जिसको नंगा देखते हैं उसे कपड़े पहनाते हैं। क्योंकि याद रखें, दर हकीकत हम किसी के लिए खुशी का जब बायस बनते हैं तो हम को अपने खुदा के साथ वो दर हकीकत करते हैं। इसलिए कहा गया कि मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पीने को दिया, मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाने को दिया, मैं नंगा था तो तुमने मुझे पहनने को दिया। याद रखे ये बात। इसी तरह बाद में हम दरवाजा दस्तक देंगे कि ऐ खुदावन दरवाजा खोल दे, मगर अंदर से आवाज ये आएगी कि मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि हमने उन कुवारियों की माने जिंदगी नहीं गुजारी जिन्होंने अपने मशलों में और अपनी कुपियों में तेल डाला, और जब दूल्हा आया तो उसके इस्तकबाल को चली गई, उसके बाद दरवाजा बंद हो जाएगा। हम उनकी तरफ बढ़ रहे हैं जिन्होंने तैयारी नहीं की है। और जब याद रखें खुशी की बात है तो शाह क्या फरमाता है, जब हम इन्हीं ख्यालात के जज्बात के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो फिर शाह कहता है, मैं खुदावन में नहायत शाद मानूंगा क्योंकि उसने ऐसा कर लिया है, उसने मस्कीनों को खुशखबरी दे दी है, उसने शख्सा दिलों को दुरुस्त किया है, उसने असीरों को आजाद किया है, कैदियों की रहाई के लिए सामान मुहैया किया है, उसने आवारा मोहताज को अपने घर पर लेके आया, भूखे के लिए उसने खुराक का इंतजाम किया है, प्यासे के लिए उसने पानी का इंतजाम किया है। इसलिए वो कहता है कि मैं खुदावन में खुश हूं। और जब हम इन बातों को अपनी जिंदगी में लाते हैं तो फिर खुशी और मसरत हमारे साथ साथ है, क्योंकि हम खुदावन में आगे बढ़ते हैं। आज की दूसरी तिलावत में पालूस बड़े भेद की बात हमें बता रहा है। और भेद की बात क्या है? भेद की ऐसी बात है कि जमीन पर रहते हुए आसमान के खुदा की मर्जी का हम किस तरह हिस्सा बन सकते हैं। पालूस आज ये भेद की बात करते हुए फरमाता है, पालूस रसूल फरमाता है, ऐ भाइयों हम तुमसे अर्ज करते हैं कि हमेशा खुश रहो। खुश रहने की पालूस रसूल नसीहत करता है, दुख में, परेशानी में, मुसीबत में, टेंशन में पालूस रसूल कहता है कि खुश रहना है। इसलिए वो भेद की बात करते हुए आगे बढ़ता है, फिर उसके साथ कहता है कि बिना नागा दुआ करो। और तीसरी बात जो करता है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। तीन बातें हुई, सबसे पहले खुश रहने की बात अवनी में, दूसरी बिना नागा दुआ, और तीसरी हर एक बात में शुक्रगुजारी की बात करता है। क्यों करता है? इससे आगे बढ़कर पालूस रसूल बड़े वाजे और जामे तौर पर इस बात को खोल देता है और कहता है, क्योंकि मसीह यीशु में तुम सब की बाबत खुदा की यही मर्जी है, यही खुदा की मर्जी है कि तुम खुश रहो, अपनी जिंदगी में खुश रहो, हर हाल में अपने खुदा का शुक्र करो, बिना नागा दुआ करो। वो हमारी जिंदगी में खुशी देखना चाहता है, वो हमारी जिंदगियों से चाहता है कि हम हर हाल में खुश रहे, क्योंकि रोए खुदा हम में बसा हुआ है। और इसी के साथ याद रखने की जरूरत है कि कहा जाता है कि रूहों को ना बजाओ, नबूतों की हकारत ना करो, सब बातों का इम्तिहान करो, जो अच्छी उसे पकड़े रहो, हर एक बदी की सूरत से ही दूर रहे, सलामती का खुदा आप ही तुमको बिल्कुल मुकद्दस करेगा, और तुम पूरे पूरे यानी रूह और जान और बदन हमारे खुदावन यीशु मसीह की आमद तक बेइल्ज़ाम महफूज रहो। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। आज क्यों कलीसिया हमें बताना चाहती है कि हम खुशी अपनी जिंदगियों में तलाश करें? क्योंकि कलीसिया जानती है कि खुशी की बहुत अशद जरूरत है, बहुत अशद जरूरत है।
लोग बेचैनी में, बदहाली में, परेशानी में जिंदगी गुजारते हैं। इसलिए इन आमद के याम में सोचे कि हम किस तरह दूसरों के लिए खुशी का बायस बन सकते हैं। शायद आपके आस पड़ोस कोई ऐसा शख्स है जिसे आपकी जरूरत है, ऐसा शख्स कोई बीमार है जिसकी जाकर आप तीमारदारी कर सकते हैं, शायद उसके लिए कुछ मेडिसिन का भी इंतजाम कर सकते हैं। ऐसा शख्स भी हो सकता है जिसके बच्चों को कुछ तालीम की जरूरत है, किताबों की जरूरत है, यूनिफॉर्म की जरूरत है। और याद रखें, प्लानिंग हम बड़ी बांध रहे हैं, खुशी की बात कर रहे हैं, प्लानिंग हम बड़ी बांध रहे हैं कि क्रिसमस से पहले नए कपड़े भी तैयार कर रहे हैं, उसके बाद घर में वाइट वॉश भी कर रहे हैं, क्या खाना है और कहां घूमने जाना है वो भी प्लानिंग हो चुकी है। धन ऐसी है, हां करें, ठीक है, तैयारी हो चुकी है। अब हमने ये नहीं सोचा कि हमारे गिर्दोनवाह में जिसे हमारी जरूरत है, जिसके लिए हम खुशी का बायस बन सकते हैं, वो कौन लोग हैं। और फिर बात आती है, कोई भी जरूरतमंद नहीं। जब आंखें खोलकर देखते हैं तो बहुत से जरूरतमंद हमें नजर आ सकते हैं। मैं यीशु की अलामती ट्री पर सिर्फ एक बैग देख रहा हूं, शायद थोड़ा सा अंदर पड़ा। हम किसके लिए खुशी का बायस बने? जब हमारे पास लंबी लिस्ट होती है, बहुत से लोग कि मास्टर जी इस दफा कुछ हमारा ख्याल करें, और पैकेट इधर दो ही पड़े हुए, एक अंदर रख दिए, कभी तो लाख किसी ने रखा है। याद रखें, कैसे हम खुशी का बायस बन रहे हैं? मुश्किल है, परेशानी हम सबके लिए भी है, मगर याद रखें, इस खुशी को हासिल करने के लिए जो मसीहा की आने की खुशी है, हम उसमें अकेले शरीक ना हो, किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ इंतजाम करें दूसरों के लिए खुशी का बायस बनने के लिए। यूहन्ना इस्तबागी नूर की बात करता है, और इसी के साथ आज के जिले मुकदस में बड़ी अहम खास बात, पिछले एतवारों से ही अक्स की हुई तलावते और उसी तरह के कलाम, और आज के इस कलाम में यूहन्ना इस्तबागी को पूछा जा रहा है कि भाई आने वाला तू ही है, वो इनकार कर रहा है कि तू अलियास है, तू अल्लबी है, तू कौन है। वो कहता है कि नहीं, बल्कि वो पुकार वो फरमाता है कि मैं पुकारने वाले की आवाज बियाबान में, खुदावन की राह को सीधा बनाओ। अब बात यहां पर आकर रुक जाती है कि कलाम में लिखा है कि खुदावन की राह को सीधा बनाओ। सीधा किस तरह बनाएंगे? हमने पिछले इतवार भी सुना कि हर एक जो टेढ़ा है वो सीधा किया जाएगा, जो ना हमवार है वो हमवार कर दिया जाएगा। हर एक टेढ़े सीधे करने की बात की गई है। और याद रखें, हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसी बातें आ चुकी है जो हमारे दिल में ठहर गई है। किसी को माफ ना करना पहाड़ से भी ज्यादा हो चुका है, दूसरों की ईमानदारी ना करना पहाड़ से भी हो चुका है ऊपर, और बहुत सी इस तरह की अनगिनत बातें हमारी जिंदगी में आ चुकी हैं। इसलिए यूहन्ना इस्तबागी के जरिए, और इससे पहले शायद 750 साल पहले भी ये फरमा रहा है कि खुदावन की राह को तैयार करो, और जब खुदावन की राह तैयार हो जाएगी, याद रखे, खुदावन हमारे पास आएगा और हम खुदा के पास जाएंगे, और आना और जाना लगा रहेगा, क्योंकि हम उसकी रूह अपने दरमियान रखते हैं। और आज का कलाम हमारी जिंदगी उससे चाहता है कि हम ऐसी जिंदगी गुजारे जो दूसरों के लिए खुशी का बायस बने। हम देख सकते हैं कि किस तरह यूहन्ना इस्तबागी खुदावन के रस्ते को सीधा बनाने की बात कर रहा है, और फिर बार बार इस बात का इकरार कर रहा है कि हम अपने किरदार से, अमाल से, जिंदगी से खुदावन के रस्ते को सीधा बनाए। आए खुदा से खास फजल और बरकत मांगे, ताकि हम इस खुशी की शम्मा को अपने हमरा ले जाएं और रोशनी का काम करें, मसीह हमारे खुदावन के वसीले से। आमीन।